और अब सीधा विंग कमांडर अनुमा आचार्य का मैं रुख करूंगी। 30 सेकंड्स टू यू मैम एंड 30 सेकंड्स टू एवरीबॉडी, ताकि वो ओपनिंग रिमार्क अपना फटाफट से दे दे। पहले आप मैम। 30 सेकंड में तो मैं ये कह सकती हूँ रूबिका जी कि ये राजनीतिक स्कीम है, ये मिलिट्री डिसीजन नहीं है। हमारी सेनाएं आज तक जो भी ड्राफ्ट बनाती हैं वो पूरी तरह 100% टेस्टेड होता है, टाइम टेस्टेड होता है, और इसमें बार बार पैबंद लग रहे हैं। तो ये सेना को आगे करके सरकार की राजनीतिक स्कीम है और किसी को भी इसके ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए। और ये स्कीम वापस जरूर जाएगी क्योंकि ये हमारे सेना के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा कभी भी हमारे यहाँ कोई स्कीम नहीं हुई। हम दर्जनों, मेरा यहाँ होना भी एक प्रयोग था। लेकिन आप ये कह रही है स्कीम है जिसमें सिर्फ राजनीति है, ये सिर्फ राजनीतिक स्कीम है और कुछ भी नहीं है। जनरल सिवाच, आप क्या कहेंगे? 30 सेकंड्स टू यू। देखो, मैं ये कहूंगा रूबिका कि ये स्कीम आने की वजह दो हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो कारगिल समिति थी उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि एज प्रोफाइल जवानों की ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। तो अब आने वाले 10 साल में ये 32-33 से जो एवरेज एज है वो 26-27 आ जाएगी। दूसरा था कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं था, सारा पैसा पेंशन और पे में निकल जाता था जो कि रेवेन्यू बजट है और कैपिटल के लिए नहीं बता, इसलिए मॉडर्नाइजेशन के लिए भी ये स्कीम आई। तो ओवरऑल ये स्कीम बहुत अच्छी है, स्कीम बहुत अच्छी है। जनरल दयाल, आप ये कह रहे हैं कि स्कीम कितनी भी अच्छी है लेकिन पैसा कहीं और से निकाला जा सकता था, ये तरीका ठीक नहीं था, इतना मुझे ध्यान है। जनरल दयाल, देखिए मुद्दा शासन का नहीं, मुद्दा देश की सुरक्षा का है, और जब मुद्दा देश की सुरक्षा का हो तो उसे सुरक्षा पर ही तोलना चाहिए। और मेरा किसी से भी ये विचार नहीं मिलता है, क्योंकि मैं एक पूर्ण धारणा से कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी एडॉक स्कीम, भारतीय सेना बिल्कुल यंग थी, भारतीय सेना को कोई एज का कोई फैक्टर नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, सुब्रमण्यम कमिटी थी, उसने किसी किस्म एज का जिक्र नहीं किया था। वैसे ही भारतीय सेना यंग है, 24, अगर क्रिकेट टीम 29-30 साल एवरेज है तो सेना की एज तो उससे भी कम है भाई। ये बिल्कुल गलत है, सेना की एज कम करने की हमें जरूरत नहीं है। जनरल दयाल, और टेक्नोलॉजी के लिए पैसे के और बहुत तरीके हैं। ओके, 30 सेकंड्स टू यू। डॉक्टर कलाम ने कारगिल में जाने के बाद वहां कहा था, अगर भारत के अंदर अगर शांति चाहिए तो भारत के रक्षा और सुरक्षा के जो फोर्सेस है उनको स्ट्रांग करना जरूरी है। हमें लगता है अगर भारत में शांति चाहिए, प्रगति चाहिए, भारत की फौज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और फौज को स्ट्रांग करने के लिए भारत की जो फोर्सेस के अधिकारी ने एक पॉलिसी के हिसाब से यूथफुल फिगर लाने के लिए कुछ काम किया, तो उसको ऑपोजिशन क्यों करें? हम आगे आए और उसको सपोर्ट करें। माधव आनंद जी, आपकी पार्टी तो शायद अपोज कर रही है, आप ही के साथ ही ये लेकर आए हैं पूरा नई योजना, और आप ही के राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा भी हो रही है, सबसे ज्यादा ट्रेनें आप ही के राज्य में जलाई गई है। रूबिका जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने बहुत क्लियर कर दिया है, अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप ये स्कीम लेके आए, आज वही युवा सड़क पे हैं। युवा के जो अपने प्रिहेंशन है, कंसर्न है, उस कंसर्न को दूर करने की आवश्यकता है। और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि इस पे अविलंब पुनर्विचार कीजिए, देश जल रहा है। और जहां तक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात है, कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। हम लोगों ने सारे युवाओं से यह तो अपील की कि आप नहीं, पर माधव आनंद जी, सवाल तो मेरा आपसे भी है, आप लोग काहे चुप्पी साधे बैठे रहे? आग जल रही है, तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए हैं और पुलिस वहां खड़ी थी ऐसे जैसे उनके हाथ बंधे हुए हैं। भाई, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको खाली मूक दर्शक बनकर आप देख थोड़ी सकते हैं। पक्का आप लोगों की तरफ से कोई तो ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा, क्यों नहीं डील किया गया इन लोगों की को जिस तरीके से डील किया जाना चाहिए था? देखिए रूबिका जी, जहां तक जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। अब ये घटना किसी सिर्फ बिहार में घटित नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में क्या किस किसी के हालात हैं आप राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, तो बीजेपी शासित प्रदेश भी है, वहां भी इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई है। कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता, बिहार जैसी स्थिति कहीं नहीं है। देखिए एक बोगी की कीमत 12 करोड़ रुपए होती है सर, एक बोगी की कीमत, और वहां पर खिलौने जैसे जलाए जा रहे हैं, वैसे ट्रेन की बोगियां जलाई गई है। रूबिका जी, गुड गवर्नेंस के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं और किसी से सर्टिफिकेट के लिए जरूरत नहीं है हम लोगों को। जहां तक इंजन की 20 करोड़ हाँ
माफी चाहती हूँ रूबिका जी, मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन अपने बातों को रखने का, लेकिन शांतिपूर्वक। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो प्रदेश की संपत्ति हो या केंद्र सरकार की संपत्ति हो, कतई उचित नहीं है। और अगेन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करता हूं, सारे स्टेक होल्डर से आग्रह करता हूं कि हिंसात्मक प्रदर्शन न हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। जहां तक आपने बिहार की बात कही, हर जगह इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम। और जहां तक जो है आपने सरकार के पे आपने क्वेश्चन मार्क उठाया, हम लोग की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, और मैं कहता हूं केंद्र सरकार ने ये स्कीम लाया, क्या केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? केंद्र सरकार को जो है सो नहीं बताना चाहिए था कि ये स्कीम हम लोग लाने का काम कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है? तो क्या केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस एजेंसी सोए हुए थे क्या? उनको बताना चाहिए था। केंद्र सरकार ने किससे सहमति ले ली? आज वही युवा सड़क पे हैं, जिस युवाओं की भागीदारी की आप बात कर रहे हैं, आज वही युवा सड़क पे हैं, आधे जल रहा है। आप कह रहे थे कि कौन से धर्म का पालन कर रहे थे आप? गठबंधन धर्म का। तो वो जो धर्म का आप पालन कर रहे थे, उसको मैं इन तीन लाइनों में एक्सपोज कर गई हूँ कि आप कितना पालन कर रहे थे। लेकिन जो बातें आपने कही है, जफर इस्लाम को इसका जवाब देना होगा। बाबा, बाबा। पुरिया सिटी जानी है। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।